और खबर रायपुर से है, जहां विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन हो गया है। धमतरी में निधन होने की खबर अभी सामने आई है। भानु प्रतापपुर से विधायक थे मनोज मंडावी, ये बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन हो गया है। फिलहाल जो अपडेट है वो निधन की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर से मनोज मंडावी विधायक थे, इनके निधन की खबर सामने आई है। विधानसभा में उपाध्यक्ष थे मनोज मंडावी, जिनके निधन की खबर सामने आई है। देखिए, छत्तीसगढ़ में विधानसभा में उपाध्यक्ष थे मनोज मंडावी, निधन की खबर सामने आई है। बेहद ही दुखद खबर ये सामने आई है। भानु प्रतापपुर से विधायक थे। खबर पे अपडेट के साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, निधन की खबर, आगे क्या कुछ जानकारी? देखिए, धमतरी के एक हॉस्पिटल में जो जानकारी हमारे पास पुलिस सूत्रों के मुताबिक आ रही है, उनको हार्ट अटैक की शिकायत आई थी। इसके बाद उनको एडमिट किया गया और एडमिट करने के बाद उनका निधन हो गया। और इससे ज्यादा अभी ये पता चल पाया है कि हार्ट अटैक के बाद उनको आईसीयू में रखा गया था, जहां उनको बचाया नहीं जा सका। तो अचानक से ये उनकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उनको आनंदपारण में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सकता। 57 से 58 साल उनकी उम्र थी और मध्य प्रदेश में पहली बार वो विधायक चुनकर के आए थे। उसके बाद 2003 में भी विधायक रहे, लगातार सीनियर लीडर थे कांग्रेस के, और जब मंत्रिमंडल बन रहा था तो प्रबल दावेदार थे। लेकिन चूंकि मंत्रिमंडल में जगह सीमित थी, इसलिए उनको विधानसभा उपाध्यक्ष बनाया गया। और काफी सक्रिय रहते थे, काफी धार्मिक माने जाते थे, लगातार एक्टिव रहते थे अपने क्षेत्र के मतों को। तो कांग्रेस ने एक बड़ा लीडर खो दिया है छत्तीसगढ़ के लिहाज से, क्योंकि कांकेर में बड़े लीडर थे, सबसे सीनियर लीडर थे अगर बस्तर, उत्तरी बस्तर की बात की जाए तो, और वहां पे लंबे समय से इनका दबदबा रहा है। बिल्कुल रुपेश, छत्तीसगढ़ की सियासत की बात करें तो लंबे वक्त से उनका नाम हमेशा ही सामने आता रहा है। अजीत जोगी सरकार में भी मंत्री रह चुके थे। जी हाँ, राज्य मंत्री उनको बनाया गया था, जेल के राज्य मंत्री बनाए गए थे और उस समय वो मंत्री रहे हैं और काफी नजदीकी मान जाते थे अजीत जोगी के, जो बहुत करीबी राजनेताओं में उनका शुमार था। और ये माना जाता था कि जोगी के करीब जो दो तीन बड़े लोग हैं, जो युवा हैं, उनमें से ये एक है। बिल्कुल, धन्यवाद रुपेश तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।